सर्विस शुरू करने से पहले आइए जानते हैं किन किन टूलों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले एक ऑयल की कीप, उसके बाद एक 23 mm का पाना, 19 का पाना, 17 का पाना, 2-in-1 पेचकस, 10 mm की गोटी, एक 14 mm का प्लग पाना और एक प्लग पाना, 10 mm की चाबी, पिन पेचकस और एक 8 mm की टी गोटी। पहले 10 mm की टी गोटी से साइड पैनल का बोल्ट खोलें और साइड पैनल बाहर निकाल लें। उसके बाद स्क्रू ड्राइवर की सहायता से फ़िल्टर बॉक्स पर लगे सभी स्क्रू को खोलें और एयर फिल्टर को बाहर निकाल लें। एयर फिल्टर को बाहर निकालने के बाद अगर वह ज़्यादा डैमेज या गंदा हो रहा हो तो उसे नए से रिप्लेस कर दें और अगर सही हो तो उसे साफ़ करके उसे ही लगा दें। वैसे दोस्तों एयर फिल्टर एवरी 10,000 किलोमीटर पर बदलना होता है, पर यह आपके एरिया की कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा डस्ट या धूल वाले एरिए में रहते हैं तो वहाँ पर यह जल्दी भी चेंज करना पड़ सकता है। एयर फिल्टर को फिट करने के बाद 8 mm की गोटी की सहायता से फ्रंट स्पॉकेट के दोनों बोल्ट खोलें और फ्रंट स्पॉकेट कवर बाहर निकाल लें। उसके बाद पेट्रोल या केरोसिन से चैन को वाश करें और उस पर इंजन ऑयल से लुब्रिकेट करें। चैन को लुब्रिकेट करने के बाद फ्रंट स्पॉकेट कवर को वाश करें और फिट करें। उसके बाद 17 mm के पाने की सहायता से ऑयल ड्रेन बोल्ट खोलें और इंजन ऑयल बाहर निकाल दें। इंजन ऑयल पूरी तरह से निकल जाने के बाद इंजन ऑयल ड्रेन बोल्ट लगाकर क्लॉकवाइज टाइट करें। उसके बाद 14 mm के पाने की सहायता से ब्रेक रॉड पर लगे नट को खोलें। उसके बाद 12-13 mm के पाने से स्टॉपर बोल्ट खोलें और उसके बाद 19 mm के पाने से मेन एक्सल का बोल्ट खोलें और पहिए को बाहर निकाल लें। पहिए को खोलने के बाद पहिए के बैरिंग को चेक करें। बैरिंग चेक करने के बाद अगर बैरिंग सही हो तो ड्रम को कपड़े से साफ़ करके अच्छे से सैंड पेपर मारें। सैंड पेपर मारने के बाद एक्सल पर ग्रीस लगाएं। उसके बाद ब्रेक शू को अच्छे से क्लीन करके उस पर सैंड पेपर मारें। अगर ब्रेक शू ज़्यादा घिसे हुए हों तो उन्हें भी रिप्लेस कर दें। अगर सही हों तो सैंड पेपर से रफ़ करके उन्हें ही लगाएं। पहिया लगाने से पहले चारों क्रस रबड़ चेक कर लें। अगर रबड़ कहीं से कटे फटे हों तो उन्हें चेंज कर दें और सही हों तो उन्हें ही लगाकर पहिए को फिट करें। पहिए को फिट करने के बाद उसके सभी नट बोल्ट को लगा दें। पहिए के सभी नट बोल्ट फिट करने के बाद हाफ एक्सल का 23 mm का बोल्ट ढीला करें और चैन की एडजस्टमेंट करें। चैन एडजस्टर नट को हल्का हल्का पहिया घुमाते हुए टाइट करें और चैन में आधी इंची की फ्रिप ले रखें। चैन कवर में बने होल के बीचों बीच चैन की सेटिंग को रखें। उसके बाद हाफ एक्सल के बोल्ट को टाइट कर दें। पहिए को सेंटर में करने के लिए अब दूसरी साइड से भी चैन एडजस्टर बोल्ट को एडजस्ट करें और दोनों साइड से दर्शाई गई लाइनों को बराबर बराबर गिनकर एडजस्टमेंट करें। एडजस्टमेंट हो जाने के बाद पहिए के सभी बोल्ट को टाइट करें।
पिछले पहिए के सभी नट बोल्ट अच्छी तरह से टाइट कर लेने के बाद अगले पहिए का 19 mm का नट खोलें और पहिए को बाहर निकाल लें। अगर पहिए में से ड्रम प्लेट ना निकले तो ब्रेक एडजस्टर बोल्ट को हल्का हल्का ढीला कर लें और फिर निकालें। पहिए को बाहर निकालने के बाद ब्रेक शू को साफ़ करें और सैंड पेपर मारें, और उसके बाद ड्रम को भी साफ़ करें और उस पर भी सैंड पेपर मारें। दोस्तों, पहिए के बैरिंग को भी चेक करें, अगर बैरिंग में ज़्यादा फ्री प्ले हो तो उसे चेंज कर दें। उसके बाद एक्सल पर ग्रीस लगाएं और पहिए को फिट करें। एक्सल लगाने के बाद एक्सल पर 19 mm का नट लगाएं और पहिए को ब्रेक मारते हुए टाइट करें। उसके बाद ब्रेक की एडजस्टमेंट करें। ब्रेक की एडजस्टमेंट करते समय दोनों एडजस्टर बोल्टों को बराबर बराबर टाइट करें और ब्रेक लीवर में 10 से 15 mm की फ्री प्ले रखें। उसी तरह पिछले ब्रेक की एडजस्टमेंट करते समय पिछले ब्रेक में 15 से 20 mm की फ्री प्ले रखें। उसके बाद दोस्तों, बाइक में इंजन ऑयल डालें। अगर सर्दियों का मौसम हो तो बाइक में 10W30 इंजन ऑयल डालें और गर्मी का मौसम हो तो 20W40 इंजन ऑयल डालें। इंजन ऑयल की क्वांटिटी 900 ml रखें। इंजन ऑयल डालने के बाद स्पार्क प्लग को खोलें। स्पार्क प्लग को खोलने के लिए स्पार्क प्लग को घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाएं, यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। उसके बाद फीलर गेज के नोकीले भाग से स्पार्क प्लग को क्लीन करें और स्पार्क प्लग का गैप सेट करें, 0.6 mm से 0.7 mm के बीच रखें। दोस्तों, अगर आपके पास फीलर गेज ना हो तो आप आरी के ब्लेड की सहायता से भी स्पार्क प्लग का गैप सेट कर सकते हैं, क्योंकि आरी के ब्लेड की मोटाई लगभग इतनी ही होती है। स्पार्क प्लग को लगाने के बाद साइड पैनल लगाएं और उसका 10 mm का बोल्ट टाइट करें। उसके बाद बाइक में लगे सभी मूविंग पार्ट पर ऑयल और ग्रीस से लुब्रिकेट करें और बाइक में जो भी नट बोल्ट ढीला हो उसे टाइट करें।